इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद को शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार उनके देश के चिर शत्रु इरिट्रिया के साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया है। जी हाँ, नोबल कमेटी ने इसकी जानकारी दी है। नोबल पुरस्कार जूरी ने बताया, अबी को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने के प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए देखते हैं अबी अहमद की अपने राष्ट्र के लिए जो संघर्ष है उसकी एक कहानी। ২০১৯ का शांति का नोबेल पुरस्कार इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया। अबी अहमद अली ने पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए कदम उठाए। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने इन कोशिशों के लिए अबी को नोबेल पुरस्कार दिया। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने अबी अहमद को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए किए गए प्रयासों के लिए नोबेल से सम्मानित किया। अबी को मिले सम्मान के जरिए इथियोपिया और पूर्व व उत्तर पूर्व अफ्रीकी क्षेत्र में शांति के लिए प्रयास कर रहे सभी लोगों को भी पहचान मिली है। अली आर्मी में इंटेलिजेंस अफसर थे। उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर आर्थिक और राजनीतिक सुधार लागू किए। उन्होंने इथियोपिया के अपने पड़ोसी देश इरिट्रिया से 20 साल चले विवाद को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। उन्हें नोबेल दिए जाने के लिए यही सबसे बड़ा आधार बना। अभी 2018 में प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि वे इरिट्रिया के साथ शांति वार्ता को दोबारा शुरू करेंगे। इरिट्रिया के राष्ट्रपति इसाई ऑस अफवेरकी के साथ अभी ने शांति समझौते के लिए तेजी से काम किया और दोनों देशों के बीच लंबे अरसे से चले आ रहे विवाद को खत्म किया। ओस्लो से एक संवाददाता सम्मेलन के प्राप्तकर्ता के रूप में अपने नाम की घोषणा करते हुए सचिव बेर्ट एंडरसन ने कहा कि सामाजिक न्याय में अबी अहमद की भूमिका अद्वितीय है, इसीलिए उसे पुरस्कृत किया जा रहा है। इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच अभी भी शांति नहीं लौटी है, लेकिन दो दशकों के उथल पुथल के बाद इथियोपिया के प्रधानमंत्री के शांति समझौते ने दोनों देशों के बीच शांति की संभावनाओं को बहुत त्वरान्वित किया है। बेर्ट एंडरसन का कहना है कि कई लोग कह सकते हैं कि अबी अहमद को पुरस्कार दिया जाना जल्दबाजी है, लेकिन उसकी पहल का सम्मान करना होगा। उन्होंने उनकी पहल की प्रशंसा करते हुए कहा, रोम एक दिन में नहीं बना था। इरिट्रिया ने 1913 में स्वतंत्रता प्राप्त की और इथियोपिया से अलग हो गया, लेकिन पिछले दो दशक से इरिट्रिया और इथियोपिया के बीच संबंध बेहद खराब है। इरिट्रिया की बादम क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। बार बार खूनी लड़ाई में दोनों पक्षों के 70,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं ने धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। अबी अहमद अली 27 अप्रैल को सत्ता में आए। उन्होंने इरिट्रिया के साथ हिंसा को समाप्त करने की मांग की। इसी समय आर्थिक सुधार का कार्य जारी रहा। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 3 महीने के भीतर अबी अहमद ने इथियोपिया के राष्ट्रपति इसाइयास अफवेरकी से मुलाकात की। सीमा मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान शुरू हुआ। एक सार्थक चर्चा के बाद दोनों देशों के प्रमुखों ने 7 जुलाई को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। बदले में अबी अहमद ने इरिट्रिया के बादम क्षेत्र में आत्मसमर्पण कर दिया। ये तय है कि दोनों पक्ष दोनों देशों के लोगों, वस्तुओं और अन्य सेवाओं के लिए सीमाएं खोलेंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से दोनों देशों के बीच बहुत कुछ बदल गया है। अभी भी हिंसा की मात्रा को कम करके आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम रहे हैं। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने न केवल इरिट्रिया के साथ बल्कि अन्य देशों के साथ संवाद करके लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने की पहल की है। सऊदी अरब ने कैदियों के प्रत्यर्पण की पुष्टि की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ शांति वार्ता पर चर्चा की गई। हालांकि नोबेल समिति ने समग्र योगदान के संदर्भ में अंतिम परीक्षण में अबी अहमद को चुना गया है। 1901 से 2018 तक कुल 99 शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये 133 लोगों संस्था को ये प्रदान किया गया। 19 अवसरों पर इसकी घोषणा नहीं की गई। शांति के नोबेल पुरस्कार से कुल 17 महिलाएं सम्मानित की गईं।
89 पुरुषों को ये पुरस्कार दिया गया है, जबकि 27 संगठनों को शांति का नोबेल दिया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की विजेता हैं, उन्हें 2014 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सबसे उम्रदराज विजेता ब्रिटेन के जोसेफ रोडप्लाट हैं, उन्हें 1995 में ये पुरस्कार दिया गया। शांति का नोबेल अब तक दो भारतीयों, मदर टेरेसा को 1979 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। वर्ष 2018 के लिए ये पुरस्कार कांगो के डेनिस मुकाबे और इराक की नादिया मुराद को संयुक्त रूप से दिया गया। नोबेल कमेटी ने कहा कि अभी को शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हासिल करने की उनकी कोशिश और खासकर पड़ोसी इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष के समाधान के लिए उनकी निर्णायक पहल को लेकर यह सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार अफ्रीका के सबसे कम उम्र के इस नेता के लिए उत्साहवर्धक कदम है।